अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो क्या आपको जान लेना जरूरी है। चाहे आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आपने जो कोरोना महामारी चल रही थी कुवैत के अंदर उस टाइम अगर काम किया है तो आपके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है, क्योंकि एक नया अपडेट आ रहा है निकल के और ये आपको जान लेना जरूरी है। और भी कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कुवैती लोगों के हवाले से। देखिए, ये सारे जो कानून अभी चल रहा है कि बिना वैक्सीन लगाए आप बाहर नहीं जा सकते, ये कुवैती लोगों के लिए चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस चीज को लेकर कुवैती लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है हर जगह जो है अलग अलग चीजें देखी जाती है, लेकिन इसी तरीके से जहरा में एक हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स को जो है वो पकड़ा गया है। उनने एक डोज चुराया वैक्सीन का, तो उसे पता लग गया लोगों को वहां पे जितने भी स्टाफ था कि भाई इसने चुराया है, लेकिन उसने जैसे ही दूसरा चुराने की कोशिश की तो उसको पकड़ लिया गया। अब उससे जो है आगे पूछताछ के लिए भेजा गया है, क्यों उसने चुराया, किसको दे रही थी, क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। जॉब तो गई गई उसकी, लेकिन अब उस पर कानूनी कार्रवाई भी आगे की जाएगी, क्योंकि उसने ऐसा कदम उठाया। क्यों अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना जरूरी है। जबर ब्रिज यानी कि जो अभी काम काज चल रहा है जबर ब्रिज पे, अभी जो है वहां पे इंशाल्लाह जल्दी ही, बहुत जल्दी ही 5,000 लोगों को डेली जो है वहां पे वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, जो कि 5,000 लोगों को डेली वहां पे वैक्सीन दी जाएगी। ये भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीन के लिए जरूर वैक्सीन ले लें, ताकि आपको हमेशा कहीं पर भी आप सफर करना चाहें, किसी जगह पर भी सफर करना चाहें, तो आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। ये आपको जान लेना जरूरी था। अब अगली अपडेट की बढ़ते हैं, ये भी अगली अपडेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। जितने फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने महामारी के अंदर जो था काम किया था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में किसी भी फील्ड में काम करते थे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उन लोगों को बहुत सारे को बोनस दे दिया गया है, बहुत सारे के अकाउंट में बोनस जा चुका है, लेकिन बहुत सारों को अब बोनस नहीं मिलेगा। इसकी वजह बताई जा रही है कि जितनी छूट दी गई थी भाई छुट्टी की, कि भाई आप इतनी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उससे ज्यादा छुट्टी ली है, तो वो सारी चीज को देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट अब उनको बोनस नहीं देगी। अब अगर किसी ने भी बंदे ने वहां पे काम किया था, बोनस मिल गया, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको बोनस नहीं मिला है उनके लिए ये दुख की खबर है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में उन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, उन्होंने जो थी लिमिट से ज्यादा छुट्टियां ले ली थी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। अगर आप एक इलीगल है तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। हो सकता है जो नर्स थी वो किसी इलीगल बंदे से मिली हुई हो, क्योंकि वैक्सीन उनको लगनी नहीं थी और वो इस तरीके से बेच रही हो। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।